सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधो साधो साधो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः वर्षावास काल में हम हर दिन शाम के 7 बजे आप लोगों को प्रत्यक्ष धम्मदेशना लेके आते हैं। आज भी आप लोगों को ये धम्मदेशना लेके आए हैं। आज के धम्मदेशना रामनगर स्थित धम्मसागर बुद्ध विहार से आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदन करेंगे। सब लोग हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग भी बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो, भगवा बुद्धं, भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो, संघं नमामि। शील प्रार्थना कीजिए। यमहं वदामि तं वदेथ, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि,
द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि भूतं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेशमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 भूतं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज का ये धम्म देशना शुरू करते हैं। सब्बे सत्ता कम्मसका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपतिसरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्सदायादा भविष्यन्ति। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्म देशना में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्मसका। यहाँ जो जैसा कम्म करता है वही उसका है। जिसने जीवन में अच्छे से अच्छे किया उसके जीवन में खूब सुख मिलता है, खूब शांति मिलता है। और जिसने गलत किया, अकुशल किया, पाप किया, न चाहते हुए भी खूब सारा दुख अशांति भुगतते हैं। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही मिलता है। अभी कर्म बोले तो जो हम शरीर से करते हैं वो काम, जो वाणी से बोलते हैं वो काम, जो मन से सोचते हैं वो काम, काम को ही कर्म कहते हैं।
जो अच्छा कर्म करते हैं वो कुशल कर्म, जो बुरा कर्म करते हैं उसे अकुशल कर्म कहते हैं। जो कुशल कर्म करते हैं उसके जीवन में न चाहते हुए भी अच्छे से अच्छे आएगा, और जो अकुशल कर्म करते हैं न चाहते हुए भी बुरे से बुरे फल आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कम दाया दा, जिस तरह माँ बाप के धन संपत्ति का अंशियार उसके बच्चे होते हैं, उसी तरह खुद ने किया हुआ कम का अंशियार ही हम खुद होते हैं। कम योनि, कम की वजह से ही उसका जन्म होता है। अच्छे जगह पे जन्म होना, बुरे जगह पे जन्म होना, इंसान में जन्म होना, देवलोक में जन्म होना या दुर्गति में जन्म होना, सब अपना अपना कम है। कम बंधु, कम ही हमारा अपना बंधु है। जिसका आचरण व्यवहार अच्छा रहा तो दुनिया के कोई भी कोने कापचे में क्यों ना जन्म हुआ हो अपना सा लगता है। अगर कम अच्छा नहीं रहा, चरित्र अच्छा नहीं रहा, तो एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी एक समान नहीं रहता, दुश्मन की तरह रहता है। कम पति शरणा, हमारा सही शरण भी कम ही है। कम अच्छा रहा तो बुद्ध के शरण, धम्म के शरण, संघ के शरण गया हुआ अच्छा रहेगा, नहीं तो कम अच्छे नहीं, अच्छा नहीं रहा तो कितना भी बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ, कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए यं कम करी संति, जो जैसा कम करता है, कल्याणंग वा पापकंग वा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, तस् दायादा भविष्यन्ति, उसको उसी तरह का फल आता है। हाँ, तो ये बुद्ध के कर्म सिद्धांत है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। जैसा एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी वैसा ही होता है। अच्छा करे और किसी को बुरा हो ऐसा भी नहीं होता, कोई बुरा करे उसको अच्छा हो ऐसा भी नहीं होता। इसलिए अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, ये बातें हमें खूब अच्छे से जानना जरूरी है। भगवान बुद्ध के समय में वो चक्षुपाल भिक्षु, जो दुख मुक्त अरंत भी हो गया और आंखों से अंधा भी हो गया। एक अरंत होने के लिए 10 पारमिता पूर्ण करना रहता है, दान, शील, निष्क्रम, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, ये मैत्री, उपेक्षा, ये सारा 10 पारमिता जो पूर्ण करते हैं वही दुख मुक्त अरंत हो सकते हैं। और ऐसे अरंत होने की पुण्य पारमिता है, फिर भी चक्षुपाल भिक्षु आंखों से अंधा होना पड़ा। एक समय सुबह सुबह संक्रमण करने के लिए उठ के इधर उधर चलते चलते जो ध्यान करते हैं जिसे संक्रमण करते कहते हैं, तो संक्रमण करते करते ध्यान कर रहे थे और उसके बाद चला गया। पर वहाँ बरसात समय में बहुत सारे कीड़े बाहर निकले हैं और संक्रमण करते करते कुचल के मरे जा रहे हैं, मर रहा है, पर भंते जी को पता ही नहीं। जब बाहर गांव से कोई भंते आए, श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में पहुंचे और बिहार घूम रहे थे, तो घूमते घूमते कोई चक्षुपाल भिक्षु के कुटी के बाहर पहुंचा, तो वहां तो बहुत सारे कीड़े मरे हुए हैं, तो सबने पूछा ये क्या है, किसने मारा, कौन रहता है यहाँ, तो यहाँ तो चक्षुपाल भिक्षु रहता है, तो क्या उसको दिखाई नहीं देता, क्या इतने प्राणी मारते हैं क्या, हाँ उसको दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, आखिर मारा तो मारा है ना, हाँ जब तक आंखें दिखता है तब तक यहाँ वहाँ घूम के खूब मजा किया होगा, अभी आंखों से दिखता नहीं, तम करने के नाम पे बड़ा पाप कर रहे, चलो बुद्ध को कंप्लेन करते हैं, बुद्ध को बताते हैं, सब जाके बुद्ध को बताते हैं। अभी तथागत बुद्ध तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, तो तथागत बुद्ध उन लोगों से पूछते हैं, भिक्षु क्या चक्षुपाल भिक्षु ने मारते हुए आप लोगों ने देखा क्या, सब कहते हैं भगवान हमने तो नहीं देखा। तो बुद्ध कहते हैं जिस तरह आप लोगों ने मारते हुए नहीं देखा, उसी तरह चक्षुपाल ने भी मरते हुए प्राणी को नहीं देखा,
और मारने के मनसा उनके मन में है भी नहीं, क्योंकि वो अरंत हो चुके हैं। अरंत व्यक्ति के मन में कोई भी क्लेश नहीं रहता, कोई भी पाप नहीं रहता। और जिसके मन में पाप ही नहीं तो वो किसका क्या हत्या करेगा, क्या हिंसा करेगा। इसलिए बुद्ध कहते चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, चेतना युक्त काम को ही मैं कम्म कहता हूँ। मतलब जहाँ करूँगा करके करते हैं ना, वही कम्म बनता है। जैसे चलते चलते पैरों के नीचे आके कितने प्राणी मरता है हमें पता ही नहीं, क्या वो भी हिंसा होता है, क्या उसका भी पाप लगता है, क्या नहीं लगता हा? हम खेतों में काम करेंगे, कोई खेतों में काम करने वाले खेतों में काम करेंगे तो वहाँ भी कितने कितने कीड़े मरते रहेंगे, तो क्या उसका भी हिंसा होता है, क्या पाप लगता है, क्या नहीं। मारने की इच्छा ही नहीं, मारने की मनसा ही नहीं। हम हर पल हर क्षण श्वास लेते हैं, ये हवाओं में देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतने जीवाणु कीटाणु रहता है, और श्वास के साथ साथ अंदर जाके वो मर जाता है, तो क्या वो भी हिंसा होता है, क्या उसका भी पाप लगता है, क्या नहीं, क्योंकि मारने की इच्छा है ही नहीं, मारने की मनसा है ही नहीं, इसलिए इसका पाप नहीं लगता। बुद्ध कहते हैं एक हिंसा परिपूर्ण होने के लिए पांच अंग परिपूर्ण होना चाहिए। पांच अंग परिपूर्ण हुआ तो हिंसा होगा। अभी वो पांच क्या क्या है? सबसे पहले जीवित प्राणी होना चाहिए। जीवित प्राणी को ही तो हिंसा कर सकते हैं, इसलिए वो जीवित प्राणी होना चाहिए। दूसरा, वो जीवित है हमें पता रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वो जीवित है। तीसरा, वो जीवित प्राणी को मारने की इच्छा होना चाहिए, मनसाएं होना चाहिए। हाँ, कोई मक्खी बहुत ही परेशान कर रहा है, कोई मच्छर ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, कोई चीटिया बहुत ही परेशान कर रहा है, तो मारने की मनसा होता है ना, इसको तो मैं कुचल ही देता हूँ, इसको तो मैं पीस के ही रख देता हूँ, तो मारने की इच्छा होता है, तो मारने की मनसा होना चाहिए। चौथा, मारने के लिए प्रयास भी होना चाहिए। अब कैसे मारेंगे, हाँ वो प्रयास भी होना चाहिए। और पांचवा, वो प्राणी मरना चाहिए। ये पांच अंग परिपूर्ण हुआ तो हिंसा पूरा होता है। क्या क्या पांच अंग? जीवित प्राणी होना चाहिए, एक जीवित प्राणी है पता होना चाहिए, दो वो जीवित प्राणी को मारने की इच्छा होना चाहिए, तीन मारने की प्रयास होना चाहिए, चार वो प्राणी मरना चाहिए, पांच अगर ऐसे मरा तो वह हिंसा हो जाता है, वरना उसको हिंसा नहीं कहते। मतलब जहाँ चेतना युक्त मारेंगे या बोलेंगे या करेंगे करके जो करते हैं ना, उसका ही कर्म बनता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा फल, बुरा करते तो बुरा फल। तो उस समय भिक्षु जान पूछते हैं कि भगवान इतना अरत होने की पुण्य पार में चक्षुपाल भिक्षु में है तो इतना दुख क्यों भुगतना पड़ा, आंखों से अंधा क्यों होना पड़ा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं यहाँ जो जैसा भी होता है सब अपना अपना कर्म है, बिना कर्म के कुछ भी नहीं। तो क्या वो कर्म है? तो बुद्ध कहते हैं किसी एक जन्म में जब वो बैद्य होके जन्म हुआ था तो बैद्य होके गांव गांव घूम के जो जहाँ जहाँ मरीज मिलता था उन लोगों का इलाज करता था। एक समय जाते जाते एक गांव पहुंच गया, वहाँ एक महिला आंखों से बहुत ही पीड़ित थी, बहुत ही दर्द, कितने इलाज कर चुके ठीक ही नहीं हुआ, बहुत ही दर्द हो रहा था। तो वो औरत के पास वो वैद्य पहुंचे और वैद्य ने कहा आपका तो आंखों में बहुत ही दर्द है, क्या मैं इलाज कर दूँ? तो वो कहते हैं कितनों ने क्या 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 कर चुके हैं, ये क्या करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपके आंखें ठीक कर सकता हूँ। तो वो बोली अरे अगर आपने मेरी आंखें ठीक किया तो मैं तो क्या मेरे सारे परिवार आपके दास दासी बनेंगे, क्योंकि उसको लगा ही नहीं आंखें ठीक होगा करके। तो भाई देने ठीक है करके ऐसे एक दवा बना के आंखों में डालने के लिए बोला, जो दवा डालते आंखें ठीक हो गया। अब परेशान, आंखें तो ठीक हो गया, अभी सारे परिवार के साथ खुद भी दास दासी बनेंगे करके ऐसे बताया, तो अब कैसे दास दासी बनेंगे, अब छोड़ो उसको झूठ बोलेंगे कि आंखें ठीक नहीं हुआ करके।
तो कल आके वैद्य पूछते आके ठीक हो गया क्या, वो एकदम नाटक करके अरे और ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही तकलीफ हो रहा है करके बोलते हैं। तो ठीक है देखो दिखाओ करके आंखें देखते हैं, आंखें स्पष्ट है, लाल भी नहीं है, साफ है, अच्छा है। तो वैद्य को लगा आंखें ठीक हो गया, दास दास बनना न पड़े करके ऐसा कर रहे, अच्छा अगर मुझे ठग रहे है तो मैं इसको क्यों छोड़ूं, मैंने इतना मुश्किल से दवा बना के इसको इलाज किया, ठीक हो गया, अब ये मुझे ठग रहे मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा करके ऐसे एक दवा बनाया। तो कहते बहन अगर ठीक नहीं हुआ ना तो ये एक बार डालो। अब क्या करे, डालना पड़ेगा, नहीं तो ठीक हो गया करके बोलेंगे तो सब दास दासी बनना पड़ेगा। तो ठीक है करके वो दवा बनाया हुआ डालते हैं, वो डालते ही जैसे रात को जलते हुए लाइट बुझा देंगे तो क्या होगा, एकदम अंधकार हो जाता है ना, वैसे ही उसके जीवन की रोशनी चला गया, अंधकार हो गया, आंखों से अंधा बन गया। उसको उसने मुझे ठगने की कोशिश किया करके उसको आंखों से अंधा बना दिया, पर उसको अंधा ही बनाऊंगा करके उसने दवा बना के डाल दिया ना, तो इसलिए वो कम बना, वो पाप बना, और उसका कितना कितना पाप भुगतने के बाद अंतिम समय में ये चक्कूपाल भिक्षु होके दुख मुक्त अरहंत भी हो गया, फिर भी आंखों से अंधा होके बैठना पड़ा। इसलिए यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है, वैसा ही परिणाम आता है। हमने कोक शिकारी की ये कहानी भी सुना, वो कोक शिकारी श्रावस्ती में रहने वाले, हर दिन हाथ में धनुष बांध लेके शिकारी कुटे लेके शिकार करने जाते थे, और जो जो शिकार मिला वो शिकार लाके उसी से जीविका करते थे। मगर एक दिन सुबह सुबह शिकार के लिए निकला तो एक भिक्षु देखा, शांत रूप से हाथ में भिक्षा पात्र लेके भिक्षा जाते हुए, तो वो देख के अरे अशुभ हो गया, अलक्षिण हो गया, मिथ्या दृष्टि था वो, अशुभ हो गया, अलक्षिण हो गया करके मन को बिगाड़ के जंगल की तरफ गया, जंगल में शिकार करने के लिए गया। उस दिन एक भी शिकार नहीं मिला, जहाँ जहाँ जाओ खाली खाली। तो ऐसे वापस आ रहा था, वापस आते आते इधर भंते जी का भिक्षा जाके भिक्षा खत्म करके वहाँ से बिहार की तरफ लौट रहा था, फिर से रास्ते में मिला, तो वो मिथ्या दृष्टि को शिकारी को लगा, सुबह मिला तो एक भी शिकारी नहीं मिला, अब मिला तो जीवन में अब क्या होगा पता नहीं, इसकी वजह से अलक्षिण हो रहा है, अशुभ हो रहा है, इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं, इतना गुस्सा बढ़ गया, इतना गुस्सा बढ़ गया कि इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं करके शिकारी कुत्ता छोड़ दिया। अब भंते क्या करे, अचानक से वहाँ शिकारी कुत्ता आ चुका है, तो क्या करूँ क्या करूँ, नज़दीक के जो पेड़ के जो शाखा है उसमें लटक जाता है। अब लटक गया तो वो कुत्तों के हाथ में नहीं आया, नीचे बैठ के वो कुत्ते भौंक रहा था, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा करके शिकारी वहाँ आके भंते जी के पैरों में धनुष मारने लगता है, वो बांध से घाव घाव बना देता है, घाव घाव होके पूरा खून बह गया, उसको एकदम दर्द हुआ करके उसको ऊपर उठाया तो दूसरे पैरों में भी ऐसे ही बांध से घाव घाव बना रहा था, उसमें भी घाव होके खून बहने लगा। भंते जी तो पूरा बेहोश बेहोश जैसा हो गया, एकदम पीड़ा से बेहोश बेहोश हो गया, तो ये चीबर ऐसे ही सरक सरक के नीचे गिर गया। अभी ठीक नीचे वो शिकारी बांध लेके भंते जी को घोंच रहा था, एकदम घाव बना रहा था, और वो चीबर ये कपड़ा नीचे गिरा तो भंते जी के ऊपर ही आ गया। ऊपर आते ही वहाँ चारों ओर भौंक रहे ये कुत्ते को क्या लगा कि भंते जी गिर गया, उसी को काटने के लिए यहाँ बैठे थे, तो कुत्तों ने भी इतना चीवर के अंदर घुस के इतना काटा, काट काट के मांस खा के पूरा हड्डी हड्डी बना दिया। बाद में भंते जी दूसरा एक सूखा का वो आंगा शाखा निकाल के कुत्तों को हे करके बोल रहा था, तो कुत्तों ने देखा अरे भंते जी तो ऊपर ही है, तो हमने तो अपने ही मालक को काट मार दिया।
तो वो लोग भी तूफान से जंगल की तरफ ही भाग गया। भंते जी वहाँ से उतरा, बहुत तकलीफ हो रहा था, धीरे धीरे चला, चलते चलते मन में ख्याल आया, मेरी वजह से आज एक भंते जी का जान गया है, क्या मुझे पाप लगा, क्या मैं बिच्छुतों से पतन हो गया, क्या क्या हुआ, चलो बुद्ध से पूछते हैं करके सोचते हुए बुद्ध के पास गया और बुद्ध को पूछा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरफ से हवा बह रहा है उस तरफ धूल फेंकेंगे तो वो धूल अपने ही चेहरे पर आता है, आकाश में देख के ठूक करके ठुकेंगे तो वो खुद को ही लगेगा। उसी तरह जिसका दोष नहीं है ऐसे निर्दोष व्यक्ति को दुख कष्ट देने की कोशिश करते हैं तो वही उसका दुष्परिणाम भुगतता है। वो कोक शिकारी बिना कोई कोई भी दोष के, कुछ भी दोष नहीं भंते जी का, फिर भी मारने की मनसा से इतना दुख कष्ट दिया, उसकी वजह से खुद ही मरना पड़ा। और ये अभी नहीं, पहले भी ऐसा ही हुआ है, पहले भी अपनी वजह से खुद का ही जान गया है करके फिर तथागत बुद्ध पहले का पूर्व जन्म की कथा भी कहते हैं। पूर्व जन्म में वो कोक शिकारी भी एक बैठे होके जन्म हुआ था, गांव गांव जाके इधर उधर जाके इलाज करता था। एक समय ऐसा आया कि कोई एक भी बीमारी नहीं मिला, बीमारी मिले तो इलाज करते, इलाज किया तो खाना मिलता है, अब कोई भी बीमारी नहीं, इलाज नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, एकदम भूखा। अभी कितने दिन तक भूखा रहने के बाद अब उसको भी लगा कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, अब क्या करूँ। गांव से बाहर आते आते वहाँ कुछ बच्चे लोग खेलते हुए देखा, अब बच्चे हुए खेलते हुए देखा तो उसको लगा अभी नज़दीक ये सांप रहने की जगह है और एक सांप ऐसा सर निकाल के भी बैठे है, तो उसको लगा एक बच्चे को वो सांप पकड़ने के लिए उकसाता हूँ, सांप पकड़ेगा, सांप उसको काटेगा, फिर मैं इलाज करूँगा, फिर मुझे पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा, ऐसा सोच के बच्चों के बीच में जाके बच्चों को उकसाने लगा कि ये बहुत ही अच्छा पानी में रहने वाला सांप है, ये काटता नहीं, ये ऐसा है वैसा है, उसको पकड़ो उसको खेलो बहुत मज़ा आता है करके बोला। तो उसमें से एक बच्चा हाँ मैं करता हूँ करके वो सामने जाके सांप को पकड़ा, पकड़ के खींचा तो इतना बड़ा सांप वो देखते ही इतना डर लगा आंखें बंद करके फेंक के भाग गया। सांप फेंक के भाग गया तो वो सांप भी सामने अरे बच्चों को काटेगा तो मैं इलाज करूंगा करके बैठे हुए वो सांप जो फेंका उसके कंधे पे ही आ गया और वो कंधे पे आ गया तो सांप उसको ही दस के वहां से चला गया। और दूसरों को काटे तो वो इलाज करते, खुद को ही काटा वही तरफ तरफ के वो मर गया। देखो दूसरों को दुख देखने के चक्कर में, दूसरों को सांप कटवाने के चक्कर में खुद ही सांप से दसवा के मरना पड़ा। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं अपने कर्म की वजह से खुद ही उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। हमने खुजूतरा की कहानी भी सुना, वो खुजूतरा श्यामावती महारानी की दासी, वो जन्म से लेके एकदम कुबड़ा जैसा, जन्म से लेके एकदम लंगड़ी जैसे, वो लंगड़ी क्यों बनना पड़ा, तथागत बुद्ध कहते हैं कोई एक जन्म में एक अरब भिक्षु जो थोड़ा सा लंगड़ते चल रहा था उसको देख के अपने दोस्तों को देखो देखो ये श्रमण कैसे चल रहे करके लंगड़ते मजाक उड़ाया था। अब ये मजाक उड़ा के उसको कुछ मिला क्या, थोड़ी देर के लिए मस्ती मजाक हो गया, पर अरब भिक्षु को देख के या प्रत्येक बुद्ध को देख के इस तरह से लंगड़ते नाटक करके दिखाया था, वही मजाक की वजह से वो जिंदगी भर ऐसे कुबड़ा होके लंगड़ी होके रहना पड़ा। और वो श्यामावती महारानी की दासी कुल में जन्म होके वो महारानी की तक दासी बन गई। ये दासी भी क्यों बनना पड़ा,
तो कहते हैं एक जन्म में जब ये राजकुमारी होके जन्म हुई थी तो उसकी एक दोस्त थी, भिक्षुणी बन गई, दुखमुक्त अरहंत हो गया और आते जाते चलता रहता था। एक दिन वो राजकुमारी मेकअप कर रही थी, भिक्षुणी आ गई तो उनको ही जरा वो मेकअप का सामान मेरे हाथ में दो करके बैठे बैठे ऑर्डर दे रही थी। अभी भिक्षुणी अब नहीं दिया तो उसका मन और बिगड़ेगा और ज़्यादा पाप लगेगा करके उसने दे दिया। मगर एक अरहंत भिक्षुणी को इस तरह ऑर्डर दिया ना, इसलिए वो जिंदगी भर इस तरह दासी बनना पड़ा। इसलिए हम मजाक मजाक में या कुछ भी नहीं है फिर भी हम करते हैं तो उसका बहुत बड़ा भयानक विपाक भुगतना पड़ता है। इसलिए याद रखना, अनजाने में किया हुआ पाप और जानबूझ के किया हुआ पाप, उसमें कौन बड़ा रहता है पता है? कौन ज्यादा रहता है पता है? अनजाने में बिना जाने किया हुआ पाप बहुत ही बड़ा रहता है, क्योंकि एक बच्चा उसको नहीं पता आग जलाता है फिर भी वो जाके आग को पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है कि एकदम जल जाता है। और जो एक बड़े उसको पता है आग जलाता है वो आग छूता ही नहीं, छूना भी पड़े तो इस तरह छूते हैं कि उसको जल न जाए या कम ही जले उस तरह से। जिसको पाप पता है वो पाप करेगा ही नहीं, करना भी पड़ा तो बहुत बच के करेगा, और जिसको पाप पता ही नहीं वो पाप ऐसे करेगा ऐसे करेगा, बहुत भयानक होता है। ये तिस्स भिक्षु भगवान बुद्ध के समय में, वो तिस्स भिक्षु भिक्षु बन के बुद्ध के भिक्षु बन के ऐसे बीमार हो गया, ऐसे बीमार हो गया, पूरे शरीर में फोड़ा 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 निकल के वो भी फूट के पूरा उससे गंदगी बहना, उसमें खून बहना पूरे शरीर पे, ये चमड़ी चमड़ी टुकड़े टुकड़े होना, उसके अंदर के हड्डी हड्डी टुकड़े टुकड़े होना, इतना डरावना इतना घिनौना, जहाँ वो रहते हैं जहाँ वो सोते हैं वहीं खाओ वहीं मलमूत्र त्याग करो, वहीं पूरा खून से लथपथ इतना दुर्गंध से ऐसा बैठना पड़ रहा था। एक समय भगवान बुद्ध वहाँ आके भिक्षु का सेवा करते हैं तो सारे भिक्षु आके सेवा करते हैं, अच्छे कपड़े पहना के अच्छे से साफ सुथरा करके फिर बुद्ध उसको उपदेश देते हैं कि तुम्हारा शरीर देखो पहले कैसे था अभी कैसा है। तो वो देखते 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 ही उसने ज्ञान प्राप्त किया, दुखमुक्त हो गया और परिनिर्वाण भी हो गया, मर भी गए। तो वो तिस्स भिक्षु जो अरहंत हो सकते थे फिर भी इतना दुख क्यों भुगतना पड़ा, क्यों इतना बीमार होना पड़ा? तो तथागत बुद्ध बताते हैं एक जन्म में जब वो शिकारी होके जन्म हुआ था तो बहुत ही प्राणियों को कभी कभी जाल में ज्यादा से ज्यादा वो जाल में पकड़ के लाते थे, हर दिन उसको अधिकारियों को मांस पहुंचाना था तो कभी कभी ज्यादा हुआ कभी कभी आते नहीं, तो उसको वो पंछियों को वो प्राणियों को अगले दिन के लिए भी हो करके मरे भी ना, मरा तो बास आ जाएगा और ऐसे ही रखा तो भाग जाएगा, तो भाग भी ना जाए मर भी ना जाए करके उड़ न सके इसलिए पंख काट के रखते थे, भाग न सके करके पैर काट के रखते थे, ऐसे ही मरना मर भी नहीं सकता एकदम दुख कष्ट से रखते थे। ऐसा दुख कष्ट दे दे के आए तो ये भिक्षु दुख मुक्त अरंत होने की पुण्य पार में है फिर भी इतना दुख कष्ट सहना पड़ा अपने ही कारण। ये तथागत बुद्ध के समय में एक लोसक भिक्षु है सारिपुत्र भंते ने वो उसको सामने बना के भिक्षु बनाया था, वो लोसक भिक्षु, अरे जिंदगी भर कभी पेट पर खाना ही नहीं मिला, कभी खाना नहीं मिला पेट पर, उतना ही खाना मिला जितने से वो जी सकते हैं बस उतना ही, कभी भी पेट भर के खाना नहीं मिला। तो वो लोसक भिक्षु इतना मतलब अभागा तथागत बुद्ध के शिष्य हो के भी
जिंदगी भर कभी पेट भर के खाना ही नहीं मिला। हाँ, वो जब से माँ के पेट में जन्म हुआ तब से इतना अभाव, हाँ, पूरे गांव में अभाव, इतना अभाव कि लोगों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा है, तो क्या करे। वो हजार लोगों के गांव में सबको खाना तक नसीब नहीं हो रहा है, तो क्या किया, यहाँ कुछ तो अभागा आया होगा करके 500-500 का ग्रुप बना दिया। 500 उसका अच्छा हुआ, और जहाँ ये लोसक भिक्षु का गर्व बैठा वहाँ पे वो वैसे के वैसे अभाव। फिर वो 500 में भी बांट के 250 का, 125 का बांटे, एक विभाजन किया, तब पता चला कि उसके माँ का ही वो अभागा है। फिर उसको गांव से निकाल दिया, गांव से निकाल के दुख कष्ट से उसको जन्म दिया, 6-7 साल तक अच्छे से पाला। फिर एक दिन कहीं पे जाओ मांग के आओ खोपड़ी, हाँ, खोपड़ी देख के मांग के आओ करके उसको भेज के माता पिता छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ही दुख कष्ट आ रहा था। अब वो बेचारा 6-7 साल का लड़का यहाँ वहाँ जा के मांग के जी रहे, कभी नहाया नहीं, कभी साफ नहीं किया, इतना मतलब गंदा कपड़े पहन के, गंदे शरीर के साथ, जैसे कि पिशाच जैसा, एकदम डरावना, यहाँ वहाँ मांग के खा रहा था। ऐसे समय में 7 साल के उम्र में सारे पुत्र बंते ने उसको देख के, क्या तुम बंते बनोगे, श्रामणी बनोगे, तो वो क्या हम जैसे लोग भी बन सकते हैं, हाँ बन सकते, चलो, तो बन गया। बनने के बाद, बहुत साल होने के बाद भी कभी भी उसको पेट भर के खाना नहीं मिला। कितने कितने महादान में वो जाते, सबको पेट भर भर के खाना मिलता है, बेचारे उसको ही नहीं मिलता। एक तो उसके पात्र लोगों को, जो खाना परोसने वाले लोगों को भरा भरा दिखता था, इसलिए भी उसमें नहीं डालते, या लोग खाना परोसते जाते, उसके वहाँ पहुँचते खाना ही खत्म हो जाता था, इसलिए उसको उतना ही मिला जितने से वो जिंदा रह सके। अंतिम समय में सारिपुत्र बंते ने अपने हाथों से उसको खिलाया, वही समय पेट भर के खाया और परिनिर्वाण हो गया। तो इसका कारण भी क्या, तो पहले जन्म में जब वो एक भिक्षु बन के एक गाँव में रह रहा था, दूसरा एक अरंत भिक्षु आ गए, तो वो भिक्षु ज़्यादा अपने साथ न रहे, हाँ, खाने में अच्छा खाना खा के यहीं न रहे करके उसके दाता के वहाँ भोजन भी लेके नहीं गया, और वहाँ भोजन उसके लिए दिया तो ये अच्छा खाना दिया तो हमेशा यहीं रुकेगा करके, वो खाना अब क्या करूँ, कहीं फेंक दिया तो पंछियाँ खाएगा, दिख जाएगा, पानी में फेंका तो पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा, तो क्या करूँ, तो कहीं आग जल रहा था वही आग में ही झोंक दिया भोजन खाना, तो उसी के पाप की वजह से उसको कितना दुर्गति मिला। अंतिम समय में भी कभी पेट भर के खाना नहीं मिला। इसलिए बुद्ध कहते हैं, नांत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानंग विवरंग पविसा। अगर कोई इंसान पाप करता है और वो पाप से बचने के लिए वो यहाँ वहाँ जगह ढूंढता है, तो यकीन मानिए इस दुनिया में पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है, न पानी के अंदर है, न जमीन में है, न आकाश में है, पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अगर हम सुख शांति चाहते हैं तो पाप मत करो। दुनिया में पाप करने वाले परपराए, दुर्गति जाने वाले परपराए, सुगति जाने वाला ही कम है। बुद्ध एक बार भिक्षुओं को नख में थोड़ा सा धूल लेके पूछते, भिक्षु बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है। सारे भिक्षु लोग कहते, भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है। भगवान बुद्ध कहते, भिक्षुओं ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धर्म को जानने वाला, अच्छे धर्म को समझने वाला, अच्छे धर्म को पालन करने वाला, मेरे नख में जितना ढोले उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना ढोले उतना है।
अच्छे धम्म पालन करके अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाला मेरे नख में जितना धोले उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धोले उतना ही है। दुनिया में गलत करने वाला, पाप करने वाला, अकुशल करने वाला भर भर के पड़ा है, पुण्य करने वाला, धम्म करने वाला बहुत ही कम है। तथागत बुद्ध के नख में जितना धोले उतना ही। इसलिए होश रखो, स्मृति रखो, अप्रमादी बनो। ये दुर्लभ जीवन है, यह अमूल्य जीवन है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन है। ऐसा जीवन मिला है तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है? पाप करना है, धम्म करना है, हमें खुद ही करना है। क्योंकि बुद्ध भी कहते हैं अत्ता ही अतनो नाथो को ही नाथो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारा दूसरा मालक नहीं है। अच्छा करना है हमें ही करना है, बुरा करना है हमें ही करना है। इसलिए अगर हमें अच्छा चाहिए, अगर हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो सुख शांति होने वाला काम हमें ही करना है। आप लोगों को क्या लगा, बुद्ध एक ही बार में बुद्ध बना क्या? जब दीपंकर तथागत बुद्ध के पास सुमेध ऋषि होके मिला तभी वो दुख मुक्त बन सकते थे, तभी वो अरहंत हो सकते थे, पर वो अरहंत नहीं बने। उन्होंने खुद भी सम्यक संबुद्ध बन के दुनिया में ढेर सारे लोगों को दुख मुक्त बनाने के लिए सम्यक संबुद्ध बनने की इच्छा किया, और तब से लेके 4 लाख असंख्य कल्प तक उन्होंने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमार्थ पारमिता पूर्ण किया। इतने पारमिता पूर्ण करने के बाद फिर जाके बुद्ध बने, ऐसे बुद्ध नहीं बना। इस दुनिया में जो जो 10 पारमिता पूर्ण करते हैं वो दुख मुक्त अरहंत हो सकते हैं, जो जो 10 पारमिता 10 उपपारमिता पूर्ण करते हैं वो प्रत्येक बुद्ध होके खुद ही दुख मुक्त बन सकते हैं, जो जो 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमार्थ पारमिता 30 पारमिता पूर्ण करते हैं वो लोग सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। तो जो जो पुण्य करते हैं, जो जैसा पुण्य करते हैं उसको वैसा ही मिलता है। तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक सारिपुत्र भिक्षु, मौद्गल्यान भिक्षु, वो लोगों ने भी कितने कितने समय से उसी तरह का पारमिता पूर्ण करके आए, इसलिए सारिपुत्र बनते, प्रज्ञा में अग्रस्थान प्राप्त करके बुद्ध के राइट हैंड समान हो गया। मौद्गल्यान भिक्षु कितने कितने समय से उसी तरह का पारमिता पूर्ण करके आए तो रिद्धि शक्ति दिखाने में, चमत्कारिक शक्ति दिखाने में लाखों भिक्षुओं में अग्रस्थान प्राप्त किया, और तथागत बुद्ध के लेफ्ट हैंड समान होके रहा। वैसे ही आनंद भिक्षु हो गया, खेमा भिक्षु ने, पटाचारा भिक्षु ने, बहुत सारे भिक्षु ने अपने अपने कर्म के हिसाब से ही, कोई विनय में अग्र, कोई रिद्धि शक्ति में अग्र, कोई प्रज्ञा में अग्र, ऐसा बन गए। और तथागत बुद्ध के समय में शिवली भिक्षु लाभ सत्कार में अग्र, अपने ही पुण्य की वजह से जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ वैसे वैसे लाभ प्राप्त होता था, कभी भी ना या नहीं या कमी, ऐसे अभाव कभी नहीं होता था। अपना ही पुण्य, अपना ही कर्म। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं हम भी जीवन में अच्छा सुख शांति चाहते हैं तो पुण्य करना ही है, दुख अशांति नहीं चाहते तो पाप से दूर होना ही है। आप अकेले में करो, सबके सामने करो, पाप करेंगे तो उसका दुख बनेगा ही, अगर आप पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो उसका सुख बनेगा ही। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो खूब पुण्य करो, धम्म करो, जीवन में दुख अशांति नहीं चाहिए तो पाप अकुशल से दूर रहो। यही बुद्ध का मूल शिक्षा है, सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है वो मत करो, कुशल अशुभ संपदा जो अच्छे है पुण्य है वो करते जाओ, सचित परियोदपनं चित्त को परिशुद्ध रखो, ये तं बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों की शिक्षा है, ये बुद्धों की धम्म है। इसलिए
हम भी यही कामना करते हैं। जीवन में अनेक तरह से अकुशल पाप से दूर हो सके, पुण्य धम्म में आगे बढ़ सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म द्वारा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्मदेशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्मदेशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेति यो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पातितं दुह्यांगे पमेव समेजतु सबे पुरेतु चितसंकापादंदो पन्नरसोयता आयु आरोग्य संपाति सग संपाति मेव च अतो निब्बान संपाति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।